नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आनंद सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिए गए हैं। कल ही बाढ़ कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया और कल ही उनको बेऊर जेल भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, आनंद सिंह के घर से हथियार मिलने, उसके बाद उनके गायब हो जाने, गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए, फिर उनका वीडियो आना, फिर दिल्ली के साकेत कोर्ट में उनका सरेंडर करना, इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर पुलिस के मन में कई सवाल हैं जो आनंद सिंह से पूछे जाने हैं। पुलिस ये प्रयास करती रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आती रही है, आ रही है कि पुलिस ने आनंद सिंह से कई सवालों को पूछने की कोशिश की है। मसलन, आनंद सिंह दिल्ली से पटना क्यों चले गए, गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब क्यों हो गए, कहाँ रुके, तमाम सवाल पुलिस ने पूछे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है, दिल्ली से पटना लाते वक्त भी उनसे सवाल पूछा गया है। लेकिन खबर आ रही है कि आनंद सिंह ने कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन कई सवालों पर उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया, कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में पूछिएगा। जैसे आनंद सिंह से ये पूछा गया कि आप दिल्ली से पटना चले गए, तो उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा, उनसे पूछा गया कि आप गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना, गिरफ्तारी से बचने के लिए क्यों गायब हो गए, आप क्यों फरार हो गए, जो कहा गया कि आप फरार हो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझ पर UAPA का एक्ट लगाया गया था, मेरी गिरफ्तारी तय थी, इसलिए यह समझा जाना जरूरी था कि अब कौन सी कानूनी मदद हम ले सकते हैं, अब इसका आगे का रास्ता क्या हो सकता है, रणनीति जरूरी थी, इसलिए ठीक है, मैं फरार नहीं हुआ था, लेकिन मुझे कानूनी सलाह लेनी थी। मैं आनंद सिंह ने पूछे जाने पर यह भी बताया है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, कि हाँ वो दिल्ली गए थे और सलाह ले रहे थे, लाइन होटल पर खाना भी उन्होंने खाया और वहीं लाइन होटल पर उन्होंने वीडियो भी बनाया, लेकिन कई सवालों के जवाब वो टाल गए, वो किसकी गाड़ी से गए, कैसे गए, कई सवाल हैं जो पुलिस ने उनसे पूछे हैं, उन सवालों का जवाब वो टाल गए और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में पूछिएगा। आपको बता दें कि आनंद सिंह के बाढ़ के लदमा स्थित जो उनका पैतृक घर है, उनके घर से AK-47 मिला था। पुलिस ने दावा किया कि घर से AK-47 मिला है, हैंड ग्रेनेड मिला है और गोलियां मिली है। इसके बाद आनंद सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि पहले से ही हत्या की एक साजिश के मामले में आनंद सिंह बुरी तरह फंसते नजर आ रहे थे। तो आधी रात को पुलिस उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन आनंद सिंह नहीं मिले थे, आनंद सिंह फरार बताए जा रहे थे। और बाढ़ की SP लिपि सिंह और जो ग्रामीण SP हैं कांतेश मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि आनंद सिंह फरार हो गए हैं। उसके बाद आनंद सिंह एक वीडियो जारी करते हैं, दो वीडियो जारी करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करूंगा और मैं फरार नहीं हूं। दूसरे वीडियो में कई तरह के आरोप लगाए उन्होंने, जैसा कि आमतौर पर वो लगाते रहे हैं, बाढ़ की SP लिपि सिंह, सांसद ललन सिंह और JDU के जो नेता हैं और सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार पर। उसके बाद आनंद सिंह 3-4 दिनों की मोहलत लेते हैं कि मैं 3-4 दिनों में सरेंडर करूंगा। 3-4 दिनों की मोहलत जब बीत जाती है, मियाद जब बीत जाती है, आनंद सिंह और इधर आनंद सिंह को खोजने के लिए पुलिस पूरा जी जान लगाए हुए है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, आनंद सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और मियाद खत्म हो गई। आनंद सिंह ने कहा कि 3-4 दिन में सरेंडर करेंगे और जब आनंद सिंह सरेंडर नहीं करते हैं तो ये लगने लगता है कि क्यों सरेंडर नहीं किया। तो फिर एक वीडियो जारी करते हैं आनंद सिंह और कहते हैं कि मैं सरेंडर करूंगा, लेकिन पुलिस के सामने नहीं करूंगा, कोर्ट के सामने करूंगा, पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। और इसके अगले दिन ही साकेत कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। ये तमाम घटनाक्रम आप जानते हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि पूरी तरह हम आपको समझा सकें कि क्या क्या हुआ है। फिर साकेत कोर्ट से उनको ट्रांजिट रिमांड दी जाती है, वो दिल्ली से पटना लाए जाते हैं, पटना से उनको बाढ़ कोर्ट ले जाया जाता है और बाढ़ कोर्ट उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज देती है। आनंद सिंह अभी बेऊर जेल में ही है, लेकिन उनसे कई सवाल जानने की कोशिश करती रही है पुलिस और खबर यही है कि आनंद सिंह ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और कई सवालों को टाल गए हैं। यह भी खबर है कि आनंद सिंह को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन दे सकती है, रिमांड की मांग कर सकती है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।